उस दिन मैं जब हमारा क्लास हो रही थी ना एक यंग से लड़का आया और उसने मुझे जोर से झप्पी डाली और ही मैं कि मैंने यार, क्या हुआ। अच्छा। और वो, रो रहा, रो रो रहा। वो बोल ही नहीं सका नहीं। मैंने कहा अजान अकावत होने वाली थी नमाज के, के बाद मिलते हैं लेकिन हो सकता है कोई वीडियो कोई क्लिप कोई चीज ने उसको एक

Hmm. कि जब वो हिजत करे थे ना hmm. और बाबा के घर में रुके हुए hmm. पीते हुए देख के हमारे पेट भरने शुरू हो <laughs> आप दूध पी रहे हैं और हमारे पेट भर अच्छा औलाद के लिए या अपने ब्लड रिलेटिव के लिए ना दिस इस फीलिंग, इस फीलिंग को लेकिन किसी दूसरे बंदे के लिए तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ आई डोंट नो व्हाट यस यस टू अचीव दैट लेवल तो है वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार ये अल्लाह ताला ना इसको बड़ा वैल्यू करता है ये भी एडिक्शन होती है मोहब्बत जो है ना किसी इंसान से लगे रजा के लिए

इस चीज में मुबतला है मुबतला है और डॉक्टर्स के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ है अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है यू you नो know? तो हम एक ना ऐसा एक, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम उनका कैथारसिस कर दें इस हवाले से कि कम से कम उसको इन उनको ना इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिल जाए और वो फर्दर स्टेप्स उठा के इन शाला की तरफ और अपना शर्मिंदगी ना हो लेकिन mm, mm, तो मुझे मास्क पहनूंगा क्या पहनूंगा लेकिन पागल हो गया हालांकि इट्स नॉर्मल जी क्या आप उसके पास जाए पहले बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में ठीक है मेंटल हेल्थ इशूज डिप्रेशन एंजाइटी मख्त जो चीज़ें हम फिलहाल डिफरेंट जो मेडिकल इल्सेज हैं साइकोलॉजिकल इस हैं जैसे शोफ्रेनिया है बायोपोलर मूड डिसऑर्डर है चीज़ें उस पर आते हैं लेकिन जो मेनली जो सबसे कॉमन है डिप्रेशन एन्जाइटी मूड डिस

बाहर जाके धूप में थोड़ा सा ना हमें तो ठीक हाँ, हो जाओगे लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस चीज का लेकिन ऑन अदर हैंड एक चीज भी मैं समझता हूँ कि मैं जब पढ़ रहा था साइकोलॉजी की एक बुक तो so उसने ऑथर ने ये लिखा था मेंटल डिसऑर्डर के चैप्टर है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल थिंक के मुझे ये है Hmm. मतलब ये एक इंसानी नेचर ने है वो चीज पढ़ते हैं ना उसके सिम्टम्स देखते yes, हैं आपको लगता है मेरे साथ है hmm. तो उसने कहा इस तरह आपने नहीं देखना जैसे जादू के सारे सिम्टम्स हो ना hmm. तो जादू होता है hmm. ये नहीं है की नाइट जादू हो गया सारे सिम्टम्स कंबाइन होने चाहिए इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर के भी सारे सिम्टम्स हैं तो है क्योंकि आप सिम्टम्स पढ़ेंगे तो लगे की फीलिंग लो स्लीप स्लीसऑर्डर ईटिंग सब कभी कभी अनडिफाइंड पेन होती है आपको ठीक है तो ये पेन

और यहां भी मीडिया से लेकर लाइफ का स्ट्रक्चर से लेकर जॉब से लेकर रूटीन से लेकर यानी इतनी रैपिड है कि पीपल हैंडल तो मेरे तो ख्याल में कि वन ऑफ़ द मेजर मेंीजन हमारी सोसाइटी की वी आर नॉट एबल टू कोप विद इट कोअपेजोरिटी ऑफ अस नॉट एबल टू चेंज से it. क्या मुराद है जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि अमेरिका जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ गई अच्छा सही। तो बहुत डिप्रेशन फैली थी क्योंकि यार एकदम आप नेचर से हटके मशीनों के पास चले जाएं फैक्ट्रीज में जाके फैक्ट्रीज में घुस जाएं आपका फास्ट फूड शुरू हो जाए नेचुरल डाइट से हटके और फिर कितने मसाइल उसके पैदा होते हैं फैमिली फैमिली वैल्यूज हर्ट होती हैं फिर मीडिया में क्या क्या दिखाया जा रहा होता है कंज्यूमरिज्म की वजह से कितनी डिप्रेशन है आपकी जोर कंपैरिजन करना शुरू कर हिस्ट्री में कभी देखें तो प्रॉपर जिम्स कभी थे ये प्रॉपर कोई एक जगह जहाँ पे एक्सरसाइज करें इस से नहीं था क्यों क्योंकि लोगों को अभी जरूरत ही नहीं पड़ी उनका ट्रैवल था ही या तो घोड़ों पे या गों या, या चलना था ऑर्गेनिक लाइफ चलता उनको कभी विटामिन डी की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी वो निकलते ही बाहर थे वो घर में सारा सारा दिन रात गुजारते ही नहीं थे ठीक है वो बाहर हैं या घर ऐसे हैं तो इस तरह के लाइफस्टाइल स्टाइल उन्होंने गुजारा जिसमें इट वाज नेचुरल विटामिन डी है, चलना है एक्सरसाइज की प्रॉपर जरूरत कभी नहीं पड़ी हमें किस कौन से लोग मिलते हैं कि वो रोजाना जिम का एक्सरसाइज का टाइम निकालते थे यस वो रेसल कुछ ट्रेनिंग करने के लिए टाइम निकालते थे अपने आप को मजीद करने के लिए फॉर फाइट लेकिन देवर लीन पीपल एंड exactly. देवर स्मार्ट असल टेक्नोलॉजी और... के आने की वजह से ना हमने कंफर्ट को बहुत ज्यादा अपनाया तो जितना जितना हमने कंफर्ट को अपनाया उतना ज्यादा हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ तो गए गाड़ियां आ गई हैं पैदल चलना खत्म हो गया हमारी लाइफ से फिर ऊपर से डाइट फूड्स और और यू नो हर तरफ से गड़ करके इंसान तुम बैठे रहो काउच में तो मैं सब कुछ यहां टेबल सब पे पे सर्व रवैयों में कितना फर्क पड़ा है जल्दबाजी आ गई गुस्से तेज होना आ गया मिजाज अब पुराने बुजुर्गों देखें। को देखें। 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 देखे चेहरे से कामनेस टपकती थी हाथ में तस्वीर होती थी फसलों में वॉक कर रहे हैं और ज़ाहिर है नेचर के साथ कनेक्टेड है बुर्दबारी बर्दाश्त और ये टॉलरेंस ये सारी चीजें उनमें बहुत नजर आएंगी लेकिन हमारी जनरेशन में बेचैनी बहुत ज्यादा ये बड़ा एक मसला है मैंने ना अभी हमने जो के रात को बाद भी चल रही है। हाँ। और, तो और इंसान जाग गए होती है ना वो शुड बी क्लोजर टू नेचर एंड बर्ड्स आप देखिए फजर पे कभी आप जा रहे हो ना कि कहाँ शुरू हो गए कभी निकल रहे बर्ड्स निकल रही है और उस टाइम शू अपने मगर अभी टाइम आप देखें ईस्ट वेस्ट जा रहे होते हैं ठीक है सारे अपने घरों की तरफ और हम लोग वहां पे गाड़ी पे निकल रहे होते हैं और लाइट्स आने के बाद तो जो जो चेंज ना पिछले सौ साल में जिसमें आप रातों को भी जाग रहे हैं इबादत के लिए हमने जब ये किया ना अपने साथ ये सारा साइकोलॉजिकल इश्यूज आए और सिम्टम्स पे हम बात कर रहे थे पीपल फील वर्थलेस समर्जी

दिस सीएन ले जाता है कि मैं या तो रोड क्रॉस कर लूं या भी ना करूं या hmm. कौन से शर्ट पहनूं वो hmm. आधा घंटा गुजार लेता है कि मैं शर्ट कौन सी पहनूं एग्जैक्ट exactly. और एक्सट्रीम मूड स्विंग्स मूड स्विंग्स ऑन अ बिल्कुल ये सारी चीजें हैं फीलिंग रेस्टलेस मूविंग और टॉकिंग स्लोली एनर्जी का बिल्कुल लो फील करना कंसेंट्रेशन hmm. में डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग आपको याद चीजें hmm. चीजें hmm. भूल जाती, है hmm. भी जाती भी हैं अल्फाज भूल जाते हैं मुंह से निकल अगेन कांस्टेंट होना जरूरी है चीजें चीजें भूल भूल जाती जाती हैं हैं इट्स है ठीक सो एपेटाइट में ना या तो बहुत ज्यादा एपेटाइट हो जाना कुछ लोग बेन जीटिंग शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस ईटिंग जो है और कुछ लोग बिल्कुल खाना छोड़ दिए और 10 किलो अपने 8 किलो गिरा दिए और वीक हो गए कुछ लोगों की नींद बिल्कुल उड़ जाती है कुछ लोगों की नींद बहुत ज्यादा आती है थोड़ा टाइम ही सो रहे हैं ठीक डाउन so exactly. uh, भी करें hmm. क्योंकि ये जितनी बातें अभी हमने की हैं तो हर एनालिसिस मोड में चला जाएगा यू you नो know, कि मुझे क्या क्या मिसाइल हैं या नहीं है इवन कॉन्स्टेंट हैं, भी या नहीं उस hmm. तो पर hmm. भी डिबेट करेंगे लेकिन वी शुड ब्रेक इट डाउन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन एक तो एग्जिस्टेंशियल है, है वो जब आप कोई लैक ऑफ पर्पज हो आपको समझ ना आ रहा हो मेरी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ होलोनस फील करें आप और आपको समझ ही ना है कि ना मैं सोसाइटी से रिलेट कर पा रहा हूँ ना मैं फैमिली से रिलेट कर पा रहा हूँ ना मेरा कोई बिगर गोल है आई एम जस्ट अ कॉग इन अ अशीन ये पूरी मशीन है मेरा पर्पज क्या Nothing. है नथिंग जैसे एक कॉर्क होता है दैट्स इट ये मेरा पर्पज है।, है।, है तो ये तो Uh, उस बंदे को होगी जिसके सामने लाइफ का एक पर्पज और मिशन नहीं है और एग्जिस्टेंस का कोई पर्पज नहीं है और जो बस उन चीजों में हैप्पीनेस फाइंड कर रहा है जो चीजें असल में हैप्पीनेस नहीं डोप देती हैं क्योंकि हैप्पीनेस को भी डोप के साथ इक्वेट करती है यूफोरिया और रिलेशन के yes, साथ प्लेजर

आ, वो कहते हैं ना कि इफ़ यू फील सैड गो एन ईट ए चॉकलेट केक चॉकलेट खा हैप्पी मील है खा लें, हुँ। हुँ। या आइसक्रीम खा कॉफी को स्मेल कर लेटेल थेरेपी, थेरेपी है कुछ देर के ना जैसे मेरे अगर मसला है मुझे पेन में कोई भी पेन हो रहा है मुझे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से मैं पेरेंडोल खा लेता हूँ

सही कितनी महरूमी है उन सोसाइटीज की जिनके पास अल्लाह ही नहीं वो और जिनकी जिंदगी में अल्लाह ही नहीं वो करें क्या वो टोटली अकेले फील कर अब कोई भी नहीं है कोई दोस्त नहीं है माँ बाप नहीं है क्या करूं लेकिन हमारे पास अल्लाह एक सजदा करें और फिर देखें आपको कैसी या,

Hmm. और hmm. मैं उसको बता रहा हूँ जो भूलेगा नहीं मैं तो भूल जाऊंगा लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा hmm. ये चीज़ आप बता रहे हैं दिस दिस इज़ वन ऑफ़ ऑफ़ द कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज वाला है सो इट कम्स फ्रॉम दोल्यूशन और बात ये जो हम प्लेजर और थे ना मैं समझता हूँ कि ये जो है ना कि सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ मैं एग्री करता हूँ लेकिन सबसे मैं एग्री नहीं करता पूरे मीट मतलब सेल्फिशनेस हैप्पीनेस देने से आती है लेने से नहीं सही आती, हुँ, आती। हुँ, सही वो जो क्यों शहादत को कहते हैं कि इसने जाम शहादत नोश कर लिया कि इतनी इसने खुशी पाली कि इसने अपना माल भी लुटा दिया जान भी लुटा दी असल जो जामे शहादत नोश करना है ना वैसे पूरा पूरा जाम पी गया

जीन्स और इनहेरिटेंस भी होती है आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है उससे भी डिप्रेशन आ सकती है लेकिन मेरे ख्याल में रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप uh, से मुराद है कि जब आप किसी के साथ दिल लगाए वो डिसलॉयल्टी शो करे वो बंदा लॉयल ना निकले आपके साथ जब आप अपनी एनर्जीज एक बंदे के लिए सर्व कर दें और उसके बाद उसकी तरफ से वो रिटर्न ना आए तो जाहिर है जिसकी लाइफ में अल्लाह नहीं है और अल्लाह प्रेफरेंस नहीं है और सिर्फ एक बंदा या बंदी खुदा बना हुआ है उसका बिल्कुल तो डेफिनेटली डिप्रेशन आएगी आएगा फिर रिलेशनशिप से मुराद है कि जब अपने ही दुख देने लगे आ, या जब अपने ही कुछ ऐसा काम करें जो शॉकिंग है आपके लिए तो रिलेशनशिप रिलेटेड जो है ना ये एक रीजन मेरे ख्याल दूसरी मेरे इस में... में मेरे ख्याल ख्याल इसमें में जो वो केसेस भी आते हैं जो ब्रेकअप केसेस हैं आप देखें कि किसी लड़के ने किसी लड़की में अपने पांच साल इन्वेस्ट कर दिया और अपने आप को इतना इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया कि अपना जिंदगी और पूरा जहां उसको समझने लगा लेकिन फिर उस लड़की ने या लड़के ने उसको डज कर दिया और ऐसा बिहेव किया कि आई डोंट केयर तो वो जो इतना वीक फील कर रहा होता है ना कि अच्छा लोग सुसाइड क्यों करते हैं कि बड़ी दफा मैसेज करके पैगा पहुंचने के एहसास दिलाया हो तुम किधर चले अब हाँ, तक एहसास तो शो ग्रीफ हमने हम जुदा हुए हैं तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है तुम्हें नहीं हो रहा दिस इज इट और फिर वो क्या करते हैं तभी एहसास होगा जब मैं अपनी जान ले लूंगा और फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी

और शोल्डर टू क्राई क्राई ओवर ना कि उसके साथ लीन करके वो अपने दुख जो है वो उसको दे सकता है अल्लाह ताला से बात कर सकता है जब वही बात है कि वो इस ग्रीब से गुजरते हैं एंड वंद के उधर कोई बंदा नहीं है तो एन्फ, एन्फ, नहीं। 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 अपने आपको मारता रह जाएगा और मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा था आपके पास भी काउंसलिंग कैसे जाती है मेजोरिटी मसला यही है यूथ का और इनफैक्ट सूरहूत में अल्लाह तुम स्पाइडर वेब से ती है कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों पे रिलाये करते हैं रिलाय करने का है और उनसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो फिर उनका सहारा एक स्पाइडर वेब की था तो अल्लाह तागूत की बात हुई है तागूत पे उम्मीदें लगाओगे एनी थिंग अदर देन अल्लाह अलहता जिससे आप उम्मीदें लगाओ या जिससे तोकल करो दैट इज फिर अल्लाह उसी के हवाले कर देते ना उसी के ठीक है जाओ स्पाइडर वेब है तो वो कितनी स्ट्रांग है यानी इसको हल्की सी तेज हवा भी इवन एक कोई पत्ता भी जो है ना तेजी से आज को उड़ा के ले जाता है और अल्लाह सुबह तला भी ना मतलब सुबह आउट ऑफ हिस्स ग्रेट मर्सी एंड विजडम एंड हेकमा वो ये कि कभी कभी इंसान को जानबूझ के इस मसले में डालते हैं ताकि उसकी हर इंसान से उम्मीदों को तोड़ के अपनी तरफ उम्मीद कायम कर दे मेरे शेख बताते शेख बकर कहते कि एक बात याद रखी उनको उनके टीचर ने एडवाइस की थी कि जब भी आपका जो मोहब्बत है अल्लाह ताला के साथ कोई भी चीज़ ग्रो करते करते उस मोहब्बत के करीब या उससे ऊपर चली जाए और अगर आप शर्त है कि नेक इंसान है जनरली से मोहब्बत करते हैं नमाजें पढ़ते हैं अपने आखिरत के बारे में कंसर्न है ठीक है उस बंदे को अल्लाह ताला उसकी उस मोहब्बत को जो अल्लाह से टकरा रही है जो ऊपर जा रही है अल्लाह से तोड़ देंगे जस्ट hmm. के आपकी जो मोहब्बत अल्लाह के साथ ऊपर ही रहे और अल्लाह तो 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 टू तो बी इन जरना विद हिम और इस मोहब्बत की वजह से वो कहीं चलन <coughs> <ना। coughs> हाँ, <यूसप> और यूसुफ मिन बिल्कुल तो अल्लाह जिससे खैर का इरादा कर रहे हैं अल्लाह इस चीज तकलीफ में डाल रहे हैं और दूसरी फाइनेंशियल हो सकती है मिसाल तौर है जॉब नहीं लग रही

जब आप पास्ट को लेकर बैठ जाए निकल ही नहीं रहे आप पास्ट में से बार बार आप पास्ट को करते हैं मेरे साथ ये हो गया मेरी लाइफ गई मेरे खेलने के दिन थे मेरा ये करने का दिन थे माँ बाप ने जिम्मेदारियां लगा दी ये कर दिया वो कर दिया तो ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो शैतान को बहुत पसंद है और यहीं यही से वो पकड़ता है कि ठीक है जी मुझे इसकी कमजोरी पता लग गई पास्ट के अब रिग्रेट्स से बताई जाओ ताकि ना ये टुडे में रहे ना ये फ्यूचर का सोच तो ये तीन रीजन रिलेशनशिप फाइनेंशियल इश्यूज और फिर के रिग्रेट्स बाकी आप भी कुछ ऐड अगर करें इसमें नहीं बिल्कुल ये जो अपने रेट से बात की ना ना कि गलत ले, ले लेना ना। किसी अगर हो गया और फिर कहना कि मैंने इस बंद शादी क्यों की सारे जिंदगी बेबी आपने गुजार दी या मियाँ आपने गुजार दी कि मैंने शादी क्यों की ऐसे भाई अब हो गई ना अल्लाह ने लिखा हुआ था आपके लिए नाउ ट्राई टू मेक इट है अब गुजारो जिंदगी बेहतरीन तरीके से जो जो हो सकती है हाँ अगर बिल्कुल नहीं बन रही तो फिर आपके रास्ते जुदा जुदा कर लें नया डिसीजन ले, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करें ये उसी पर ना कि ऐसे मैंने शादी नहीं करनी थी या <laughs> ये मैंने बिजनेस क्यों किया और इसमें अल्लाह क्या फरमाया

तो कोसने ना लग जाओ हाँ, ठीक है हाँ, कि मैं जा होता तो वो कर लेता हाँ, ये वैसे ना वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगी में अल्लाह नहीं होता ठीक हाँ, है वो ये समझते हैं कि हम अपने ये ना मतलब कुल्ली तौर पे जिम्मेदार हैं हाँ, है। ठीक है और अखी नेगेटिव इतनी सेल्फ टॉक हमारी आवाम नेगेटिव सेल्फ टॉक करती है ना हाँ, कि मैं बर्बाद हो गया मेरा दिन खराब हो गया मेरी किस्मत खराब हो गई ये सेंटेंसेस बड़े कॉमन है हमारे घरों में आज का दिन बहुत बुरा हुआ ये हो गया वो हो गया बिलीव में इसका कितना इम्पैक्ट होता है हमारी साइकोलॉजी पे हमारे केमिकल्स पे तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज़ वेरी 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 इवन बच्चों के साथ अली भाई हम करते हैं हम बच्चों को कहते हैं कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते छोटी छोटी बातों पे हम इतना ज़्यादा उनको नेगेटिवली वो आ, करते हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी में ये इश्यूज आ जाते हैं हमारे घरों के ये मसाइल है अच्छा लेकिन यहाँ एक बात करूँ हमने अपने बड़ों को बड़ों से मुरादा रेलेटिवर अंकल्स आंटीस वगैरह कोई कहते हैं सुना की यार आज की जनरेशन कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव इसमें आप क्या समझते हैं ठीक है मसाइल है लेकिन डोंट यू थिंक कि ओवर सेंसिटिव भी बहुत है मुझे भी लगता है इस बात से क्योंकि यही चीजें हम उसी मुआरे से निकल के आए हैं ठीक है हमने हुँ, अपने साथ और लोगों को भी देखा है ठीक है पर्सनैलिटी में थोड़ी चीजें आई हैं लेकिन मिसाल के तौर तो पर अगर पनिशमेंट की बात करें तो खाई हाँ हमने बहुत बहुत मारे ठीक है बात। आ, लेकिन हमारी जिस तरह से पर्सनैलिटी ग्रूम हुई है आजकल के बच्चों को अगर मार पड़े तो उनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से ग्रूम हो रही है वो कुछ और ही चीज बन रहे हैं जैसे रिसेंटली में अंकल के साथ बैठा उन्होंने कहा जो जो सेटबैक्स हमने देखे हैं ना अपनी लाइफ में तुम्हारी जनरेशन उसके करीब भी नहीं है वो बिल्किल। तो थोड़ी सी बात पे की बात करने लग जाते यानी उन्होंने शायद सीखा ही नहीं कि यार जब चीज ना मिले तो हाउ टू रिएक्ट टू इट चीज का ना मिलना एक नेचुरल चीज शायद शेख पेरेंटिंग का मसला है कि हमने ना सीखी पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा मसला है ये एक पूरा अलग सब्जेक्ट है कि किस तरह से पेरेंट्स ने बच्चों को खराब किया है दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि ये जो हम देखे जब ये सोसाइटी बनी ना ग्लोबलाइजेशन हुई है जब ये पूरा एक दुनिया कनेक्ट हो गया इंटरनेट से hmm. फिर मल्टी कल्चरल बन गई फिर आपके घर में नेटफ्लिक्स चल रहा है हर चीज चल रही है फिर ना आप किसी सर्टन वैल्यूज से अटैच नहीं रहे फिर आपको ना डिफरेंट कल्चर्स की चीजें सुनी आप ना तीन मेरा ना तेरह मेरा है इससे आपने ना आइडेंटिटी क्राइसिस सफर करना शुरू कर दिया एंड वेन यू सफर फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस यू वैल्यूज फिर जो चीज आपको लग्जरी दे रही ना जो कि हमारा ये माल है फिर आपका खुदा या आपकी वैल्यू भी बन जाती है चाहे आपको माँ बाप छोड़ने पड़े कनाडा जाना पड़े उनको बुढ़ापे की हालत में आप जाएंगे चाहे जो मर्जी करना पड़े आप जाएंगे अब इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो पर्पज था ना हुँ, हुँ, वो बहुत ज्यादा ना जो हमारा देखें एक मैं पढ़ रहा था ऑथर के मुझे भी नाम याद नहीं है कि इफ यू यू हैव थ्री थिंग्स इन लाइफ विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी थिंग जितने चीजें ज्यादा और शदीद होंगी आप उतने ज्यादा लोगों से इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे समथिंग टू लव इज फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी सी यूर जॉब ठीक है कि मैं सी लेवल पहुंच जाऊँ समथिंग टू डू आप पॉलिटिक्स करो करें पहुंच गए बट वेन यू गेट इट Do you have something to hope for? Hmm. नहीं जो आपका विजन और ड्रीम था बिजारी ऐसे आगे हिट करेगी पता नहीं चलेगा तेंडुलकर को देख लें और बिल गेट्स को देख लें उनकी ठीक है इसलिए पर्पस भुण भुण बना लिया। बना लिया hmm. लेकिन सहाबा को आप देखे अब इनको खुश करने के लिए देर समथिंग टू डू वॉज दावत पूरा माल घर के समेट कर ले आए एक्टिविज्म इतना था कि अलग में कह रहे हैं यार थोड़ा सा कम करो अब उस सारा माल ना दो कुछ रखो कुछ दो अब्दुल आज ताजुद भी, भी पढ़ो सो भी से रोजी भी रखो इतना एनर्जी थी इतना पर्पज ऑफ लाइफ था मीनिंग टू तो लाइफ थी उन्होंने रोकना शुरू कर दिया कि मेरी सुनत पे चलो बहुत ज्यादा एंड देन डेड दे अचीव जन्ना इन दिस लाइफ नॉट एट ऑल समथिंग टू फॉर ना something. वो इस दुनिया में होता ही नहीं है वो आखिरत में होता है ना आपने बस मिल गया और क्या बस मेरे खत्म लाइफ सही, सही तो आप ना एक

अच्छा उन्होंने कहा सबको आंखें बंद कर लो कहते अब करो, तुम्हें एक बीच पे हो कूल ब्रीज चल रही है तुम्हें आवाज आ रही है और तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हारे साथ है यानी लड़के कहते यार ये तो आइडियल सीन आपने बना दिया तो जब लड़के बड़ा खुश हो गए निशान ने कहा इमेजिन करो की मौत का फरिश्ता आ गया तो वो एकदम कहते ये क्या ये आपने सारा मजा किरकरा कर दिया मौत का फरिश्ता मतलब ये क्या आपने हमारे साथ किया तो कहता क्यों क्या मतलब है कि मौत का फरिश्ता आ गया तो डिप्रेशन भाई क्या पता इससे इनफाइनाइट टाइम ज्यादा मजा है ये जो शुरु मैंने तुम्हारा पूरा सीन क्रिएट किया इसका मतलब तुम होप ही नहीं कर रहे आखरत नहीं। नहीं। जन्नत को इमेजिन तो करो वहाँ पे कौन कौन होगा और वहां की सैंड कैसी होगी वहां की कैसी हो होगी तो जब लोगों ने ना कुफार आए और अहजाब आए और डराया कि हम तुम्हें खा भी जाएंगे और खत्म कर जाएंगे उन्होंने कहा तुम्हें मौत डराते हो मौत तो हमारा

सब कुछ एवरीथिंग विल बी ओवर इससे इतने एंग्जाइटी टाइप्स आते हैं लोगों को नींदे नहीं आती और फिर अच्छा एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा मेंटल हेल्थ की जब हमने बात की ना तो ऑडियंस को क्लियर कर दें कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बींग जिसमें आप नॉर्मल फंक्शन करते हैं यानी कि जितनी भी जिम्मेदारियां आपकी या आपके सोशल रोल्स हैं या आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको नॉर्मल देखें बिहेव करते नॉर्मल देखें और आप जिम्मेदारियों को बखूबी नॉर्मली जो है वो फंक्शन करें अब जब भी इसमें कोई मसला आएगा तो वो लैक ऑफ वेल और उसकी चार रीजन एक डाइट जब डाइट हमारी अच्छी नहीं जैसे रसूल ने जब भी फौदगी होती थी अल्लाह हो के अलाम कहते थे तलबीना बनाओ हजरत करता है तलवीना जो का दलिया जो शहद में डाल खजूर के पेस्ट को डाल बिल्कुल और ऑन द अदर हैंड जब आपकी डाइट तयब नहीं है क्योंकि तयब का तय्यब डाइट का बड़ा कॉन्सेप्ट है इस पर आप कभी इंशाल्लाह मजीद डिटेल बात करेंगे दूसरी बात आपकी रूटीन आपकी रूटीन ही ऐसी है कि यार उसमें डोप ही डोप है उसमें कोई गिविंग नहीं है उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें जो है वो हर वक्त आप स्मार्टफोन के साथ अटैच हैं एक नौ इंच की स्क्रीन में घुसे हुए हैं आप कोई वॉक नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे ना आपने जो है वो जिम्मेदारी निभानी उस वजह से मेंटल हेल्थ कंफर्म डिस्टोर्ड होती है तीसरी चीज हैप्पीनेस का फॉल्स कॉन्सेप्ट लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन लगाना कंफर्ट जोन से ना निकलना कि मेरी हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो जाएगी यू ये भी बड़ा मसला है यूथ क्यों कंफर्ट जोन से नहीं निकलती मेरी हैप्पीनेस डिस्टर्ब होगी कहीं शादी होगी डिफरेंट माहौल है ऐसा होता है ना कि आपका माहौल और इन लॉज का माहौल डिफरेंट है अब उसको बर्दाश्त ना करना उस पर गुस्से होना और कॉम्प्रोमाइज की तरफ ना आना और ये अंडरस्टैंड ना करना, करना कि पीपल हैव डिफरेंट नेचर क्यों क्योंकि कंफर्ट जोन हर्ट हुआ है, उससे सो कॉल्ड हैप्पीनेस हर्ट हुई तो एक ये आपका जो हैप्पीनेस और तीसरा माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस का मतलब ये है प्रेजेंट में रहना अभी हम यहां बैठे हुए तो आई शुड बी कॉन्शियस कि आप सामने हैं ये सामने है और ये पूरा एक कमरा है लेकिन अगर मैं कॉन्शियस इन यू ना आप के बारे में ना इनके बारे में और मुझे पता ही नहीं एक कमरा है और मैं अपने माइंड में में प्रॉब्लम्स पहुंचा हूं। तो इसका मतलब कि माइंडफुलनेस में लैक कर, लैक कर। तो ये ये चार चीजें जो है ना ये जब डिस्टर्ब होती हैं तो डेफिनेटली और उसके बाद फिर वो बहुत डिटेल है कि डिप्रेशन क्या है और मेंटल हेल्थ इश्यूज होते क्या क्या अच्छा ये जो सारी बातें अभी आपने की है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजिंग इस हवाले से हो रहा है कि ये मेडिकली मेडिकल परस्पेक्टिव में आप बात कर रहे हैं या नॉन मेडिकल परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं और जो चीजें आपने बताई हैं ये सारी इन्वाप है लेकिन वी हैव टू कैटेगराइज इट कि ये ऐसा शख्स जिसको मेडिकली कोई इशू है जब वो है हाँ जब वो इन इश्यूज को फेस करता है तो उनको ये चीजें करनी चाहिए या फिर एक ऐसा शख्स जिसको मेडिकली कोई इशू नहीं है बट इट्स ए वेरी रेगुलर लाइफ प्रॉब्लम्स जिनको वो फेस कर रहा है तो उसको ये चीजें करनी चाहिए बड़ा जबरदस्त सवाल है असल में बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार रिलीजियस लोगों को ना अवेयरनेस भी नहीं है ना नॉलेज है वो हमेशा कनेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल रीजन से या ये वो एक हद तक बात ठीक भी होगी चले लेकिन ये कि हम जो बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजी के डिफरेंट परस्पेक्टिव है बिहेवियल है साइको है कोग्नेटिव है फिर एक न्यूरोलॉजिकल है वो आप जो बात करें न्यूरोलॉजिकल है उसमें ये होता है बेसिकली कि यार एक बंदे का जीन्स का मेकअप ही ऐसा है कि उसके जो फ्रहने का शुरू से रहने के।, निसाल के तौर पे आफ्टर जनरेशन रिश्तेदारों में शादी हो रही बिल्कुल डेफिनेटली कुछ तो मसला बनेगा ठीक है तो ये एक बहुत टेक्निकल फील्ड है हम इसके डिस्क्लेमर दे रहा हूं ना मैं एक्सपर्ट हूं इसका ये साइकेट्रिस्ट का काम है कि भाई उसको आइडेंटिफाई करे कितना केमिकल इम्बेलेंस हो चुका है कितना हिट हो चुका है और किस वजह से हो चुका है क्या ये जीन्स का शुरू से मेकअप वो फिर एमआरआई स्कैन और बड़ा कुछ चालिस चालिस टेस्ट करते हैं ऐसे नहीं देख के देते के कम अज कम मैं बता रहा हूँ आपको 20 -30 होते हैं। और बाद वो इतने टेस्ट रन थ्रू करता है इतने टेस्ट रखता है सब्जेक्ट को अपने बीस बीस पंद्रह पंद्रह दिन के लिए रखता है तो कैजुअली ये नहीं कहना चाहिए स्किजोफ्रेनिका या ये है ये और ये सब्जेक्ट ही साइकाट्री का मतलब हमें जो लोग ऐसे हेलूसिनेशन हो रही हैं जिनको या जिनका बिल्कुल अचानक से जैसे बात की अकेले रहना शुरू हो गए अपने आपको बंद करना शुरू कर दिया है अपनी पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं है लोगों पर शक करना शुरू कर दिया मतलब हैं गो टू इवन आपको इससे कम भी सिम्टम्स है ना और सारे हैं तो गो टू अट्रिस्ट और अः साइकोथेरापिस्ट या जाए ताकि अपना पहले इलाज करें ये जो हम बता रहे हैं ना ये बेसिकली बता रहे हैं कि आपका ट्रॉमा की वजह से हार्ट ब्रेक की वजह से या इन्वॉयमेंटल डिप्रेशन जो हमने रीजन है मेंशन की उसकी वजह से अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपको एक गाइडेंस दे देगा

स का होना किसी ट्रॉमा की वजह से ग्रीफ की वजह से इट्स नॉट डिप्रेशन उसको कोप कैसे करना है उसकी अलग वो चीजें लेकिन जो मेडिकल रेल uh, में आ जाती है मेरे से उसके लिए नहीं। आपको क्लिनिक्स वगैरह जाना देखें जेनेटिकली जो है ना वो मिसाल तो पे कुछ लोग ट्विचिंग बहुत करते हैं मूवमेंट्स बहुत करते हैं टांग बहुत हिलाते हैं उनको एंजाइटी शदीद होती पैनिक हो जाती वो तो जेनेटिक उसकी प्रूफ मिलता है स्किजोफ्रेनिया का भी जेनेटिक प्रूफ हमें मिलता है मैंने पढ़ा जितना मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक लेकिन एक बात बड़ी वाजे हम कर लें कि ये जो एनवायरमेंटल रीजन है ना इस वजह से भी अल्टीमेटली तो केमिकल इम्बेलेंस ही होती है Uh, डिप्रेशन के केमिकल कहते हैं गोलियों में सेरोटोनिन होता है और होता है डिप्रेशन अच्छा कभी-कभी ऐसा भी होता है जिसमें uh, science कुछ uh, मतलब फाइंडिंग्स नहीं होती है साइंस की कुछ भी दैट uh, एक uh, disorders है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें आपको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं लेकिन उसकी बीमारी की वजह कोई नहीं होती मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है मेरी किडनी फेल हो गई या एक बंदा कहता है कि मतलब मेरा मुझे हार्ट अटैक हो रहा है मुझे ये हो रहा है मेरा दिल की धड़कन बहुत बढ़ी है ज्यादा अब डॉक्टर चेक करते हैं कहते हैं ना इसको बीपी ना शुगर है ना इसका क्रिटनाइन लेवल जो है वो ज्यादा है वगैरह वगैरह तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है जब वहम की वजह से एंग्जाइटी की वजह से आप अपने ऊपर सवार कर लेते हैं मेरे पेट में दर्द है मेरा स्टमिक खराब है मेरा जिगर खराब हो गया है मेरा ये हो गया वो हो गया एक तो नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा ऊपर से ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा फिर जाहिर है कि कुछ वो एंग्जाइटी जीन्स जेनेटिक मेकअप की वजह से भी आ रही कि हर चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना ये सारी रीजन है लेकिन अल्टीमेटली हमें ना शैतान का भी बहुत रोल डिस्कस करना चाहिए गोरे शैतान उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता ना सोल एग्जिस्ट करती है असल में शैतान का बहुत रोल होता है बहुत ज्यादा रोल होता है इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम यू नो एक स्मॉल थिंग उसके बाद आप ओवर थिंकिंग करते हैं आप सर पर सर सवार कर लेते शैतान को ना हर बंदे की वीकनेस पता है अब मेरे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं आप लोगों के पास भी आते हैं यार क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि शैतान को पता लग गया इसको मैंने पकड़ना कहां से यानी अगर या तो ओवर थिंकिंग बहुत करता है, मैंने है। अगर तो इसको ब्रांड्स का बहुत शौक है मैंने वहां से पकड़ना है कि ब्रांड्स तेरे पास आ नहीं रहे तो किन का शिकार हो गया वगैरह वगैरह जिसको जो है वो किसी रिलेशनशिप से मसला है वहां से उसको पकड़ना है ओवर सेंसिटिव करना है वाई आर वी नॉट एबल

तो मैंने मजाक में एक बार कह दिया कि अगर मैं आपको अपने से बता दूं, आप कहेंगे पागल। <laughs> सही <भाते। laughs> बात अपने वसत से डिस्कस नहीं कर सकते हम वो जबान पर ला नहीं सकता और अल्लाह ने कहामानसों से कराहिए और बुरा महसूस हो रहा ना कि ये ईमान की निशानी है तो क्या कहो

दबाया जाता है इमोशंस को बकायदा कहा जाता है इमोशंस को दबाओ लेट आउट ना करो लेकिन ऑन दी अदर हैंड ज्यादा लेट आउट करना वो जो गोरों का परस्पेक्टिव है उससे भी मैं एग्री नहीं करता नहीं। इतना लेट आउट करो कि हर शेयर हो रहा है लेट आउट अल्लाह के साथ अल्लाह के जो आते ये ना वो लोगों के लिए

वो आपको उस तरह से जो है बिहेव नहीं करते आपका जो आपकी एक्सपेक्टेशन है तो उसकी लाइफ में तंग हो जाती है ये वो वाली चीज़ है मीशतन जन का तंगी आ जाएगी उसकी लाइफ उसके रिलेशनशिप तंगी क्रिएट करने लगेंगे औलाद तंगी क्रिएट करने लगेगी उसको बिजनेस टर्म्स में तंगी आने लग जाएगी नॉट फॉर मनी शायद बहुत आ रहा है लेकिन वो डीलिंग्स में उसको तंगी जो है बहुत ज़्यादा जैसे वेस्ट की मिसाल है मीशत के हवाले से बहुत ऊपर लेकिन तंगी साइकोलॉजिकली क्या वो वाकई ही रिलैक्सड है कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाली उनकी सोसाइटी exactly. कितना औरत को किसान ज्यादा कर दी उन्होंने मेजर डिप्रेशन सबसे ज्यादा औरत को वेस्ट में hmm. अमेरिका में किस लिए रॉबिट uh, फेल्डमैन कहता है जो हार्वर्ड का साइकोलॉजिस्ट है के मल्टीपल रोल जब से औरत पे डालें बच्चा भी तुमने संभालना है कुकिंग भी तुमने करनी है वही बच्चे को छोड़ के आ रही है ड्राइविंग करके वही जो है घर भी संभाल रही है वही जॉब भी कर रही है बॉस को भी खुश करना है और सख्त सर्दी के मौसम में स्कर्ट भी पहनना है मर्द जो है वो सख्त सर्दी के मौसम में सब कुछ पहने अपनी हुँ। हुँ। लेकिन औरत के लिए ड्रेसिंग वो एक खास महसूस कर दी है तो रखना है बहुत सारी औरतें एक बुल

सिक्स टाइप की टर्म्स के बारे में बात करता है उसमें से एक है जीका सदर टाइटनिंग ऑफ द और जो कुरान जिन टर्म्स के बारे में बात करता है वो है अलहम यानी डिप्रेशन ग्रीफ हम हमेशा पास्ट का होता है

पास्ट का डिप्रेशन है वो कोई पास्ट में कोई ऐसा मामला पेश आ गया कोई किसी ने कर दी उसका जो है ना आपको एक ग्रीफ लगा हुआ है आपके दिल में वो है जो हम है वो फ्यूचर की टेंशन है एंगजाइटी से बोलते हैं एंगजाइटी हमेशा फ्यूचर की होती है डिप्रेशन हमेशा पास्ट का होता है गम जो है ना वो है किसी डेस्परेट सिचुएशन में आप है प्रेजेंट में हम जो गम है ना वो प्रेजेंट में होता है की

ऐसा डिप्रेशन जिसमें उम्मीद ही हो जाए कि यार मेरा तो कुछ नहीं बन सकता मुझे तो ना अल्लाह ने भी छोड़ दिया अल्लाह भी कि मुसलमान और मोमिन इस हालत नहीं जा सकता। यानी सारी गमों और हुजन में से गुजर गुजर नहीं हो सकता बिल्कुल और ये अक्सर प्रॉफिट्स के बारे में जो हम होना हुन होना गम होना ये प्रॉफिट के बारे में वो से गुजरे फिर असफ क्या अपनी जान को आप हला कर देंगे इस चीज में कि वो आपकी बात तो ईमान ले आएंगे आसफा का जो वर्ड यूज किया मेरी एक एक उस स्टेट में चले जाना है कि इनको समझ ही नहीं आती मदर्स को बच्चों के बारे में होता है सदर होता जो होता है इट्स स्टार्टिंग ऑफ द चेस्ट अल्लाह इवन देखें अब जो हम कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं आपका जो ही कमजोर है याकूब आप देखें उनको इसी डिप्रेशन में एक तरह से थे कि यूसुफ को छीन लिया गया रोते रहे हे आंखें चली गई ठीक है और आ, क्या उनका नहीं था तो के साथ पे था क्या वो ईमान में कमजोर थे नहीं हर तरफ वो नबूवत के दर्जे पे फाइज थे लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बेसिकली आप किसी भी पास्ट इवेंट की वजह से आप डिप्रेशन में, में जा सकते एक मोमेंट डिप्रेशन में जा सकता है लेकिन वो असफ वाली सिचुएशन में कभी नहीं जा सकता इसलिए तो हमेशा बच्चों को कहते रहे बूढ़े होने के बाद भी जो यूसुफ को ढूंढो उसके भाई को ढूंढो अच्छा असफ या यास ये दोनों में फर्क है ना यास 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 क्यूँ तो अच्छा। मेरी बात हाँ डिप्रेशन या सौर का इस तरह का जो है ना वो है इसलिए तो हम अलग ने जो दुआ की ना कि मैं फ्यूचर के डिप्रेशन से भी आपकी पनाह मांगता हूँ और पास्ट के जो जब फ्यूचर की एनजाइटीज पना मांगता हूँ और पास डिप्रेशन भी पना मांगता हूँ तो हमें डिफरेंट जो अल्लाह के की जो हदीस है और कुरान में हमें डिफरेंट मिलता है कि अम्बिया इन सिचुएशन से गुजरे लेकिन वो होपलेसनेस में कभी नहीं है। अच्छा हमारा जो रिलीजियस क्राउड है उसमें जैसे हमने शुरू में भी बात की थी उनके यहाँ वो हर चीज़ को हर किस्म के डिप्रेशन को यही कह देते हैं कि यार तुम दीन की तरफ मोड़ो दीन की तरफ आओ इस बात को हम शुरू में कर रहे थे ना फिर हमने डिफ्रेंशिएशन की कि, कि, कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन में फर्क होना चाहिए एक क्रिटिकल क्वेश्चन मैं थॉट बल्कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ हम सीरा में ये चीज़ भी देखते हैं कि इवन जो मेडिकल आपका डिप्रेशन है या कोई डिजीज है उसका इलाज भी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी से किया गया बिल्कुल जैसे एट द टाइम ऑफ़ मैन मैड लिटरली ही मेंटली इल जिसको के साथ बांधा हुआ था ठीक है जितना मुझे याद पड़ रहा है और सहाबी ने जाके सिर्फ पंद्रह दिनों तक उस पर सूर्फ का दम किया था तो इलाज मेडिकल नहीं हो रहा लेकिन बीमारी उसकी मेडिकल थी और टर्नस आउट की वो बंदा ठीक हो जाता है बिल्कुल देखे ना रूह के साथ भी ताल्लुक है जिन्नात का इफेक्ट भी हो सकता है शयातीन का क्योंकि तो हम मुसलमान हैं हमने सारे एंगल से देखना और अल्लाह ताला ने शिफा करार दिया कुरान मजीद को और सूरह फातिहा तो कहलाती सूरह शिफा तो मेरे तो ख्याल में कि स्किज़ोफ्रेनिया मेरे नजरिए स्किज़ोफ्रेनिया कंफर्म जिन पोजीशन ये मेरी राय एनीवन कैन डिसएग्री विद टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया या हर

तो अलॉन्ग विद रुकिया आप टेस्ट भी कराएं अपनी कितना डैमेज हो चुका है क्या मसला क्या चल रहा है डायग्नोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर किसी का तवक्ल बहुत ज्यादा ईमान बहुत ज्यादा है वो रुकिया की तरफ ही जा रहा है तो ये एक अलग लेवल ऑफ़ है तो ये शे अपना ना के आप है। बहुत और मुत्तकी है। हुँ, हुँ। तो जो बड़ी से बड़ी डिजीज भी है वो आप रुकिया करके अल्लाह के फजल और करम से असल में कुरान में तो हर चीज की शिफा है हर चीज का मतलब हर चीज है इवन स्नेक बाइट है स्कॉर्पियन बाइट है वो जो शख्स एक कबीले के सरदार साहबा गुजरे हाँ। हेल्प करो तो <laughs> जाओ जाओ तुम्हारी हेल्प नहीं करते हम वो हाँ। तो चले गए तो उसी कबीले के, के सरदार को बिछू ने काट लिया और जब लोग इनके पास आए और कहा कि आपने कोई राखी है तो कहा अब हम चार्ज करेंगे तुमने तो हेल्प नहीं किया था ना गए सात दफा सूरज पाता है दम की और वो ठीक हो गया अब देखिए ना इलनेस फिजिकल है यानी कुरान से इलाज हो रहा है तो अल्लाह के मेरे पास गया हमारे हमें इतनी हलाल है बिल्कुल हलाल है, है? है। बल्कि मेरा भी इसमें हिस्सा रखो, ठीक सही है, है। तो बात कहते, तो तो कहते हैं कि जब मैं कुरान पढ़ता था मैं ठीक हो जाता था फिर दोबारा से वो कुछ टाइम बाद आती थी वो ठीक है तो कुरान कहते कैसे होता है शुरू में समझा कि मुझे जेन नहीं है तो ने कहा कुरान तो सिर्फ जिनात की शिफा नहीं है ट्यूमर्स हों मुखलिफ चीजें हों और आप टेस्ट करें कि डिफरेंट हॉस्पिटल में रहमान को कुरान की डिफरेंट उनको प्ले किया गया एंड दे डिफरेंट अल्लाह सो हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जो है इवन कुरान ना भी हो दुआ में शेख आप उर्दू की दुआ मांग रहे हैं उसमें शिफा है आपको फिजिकल डिजीज है कितने लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकली इल थे और अल्लाह दुआ की उर्दू के पश्तो के अल्फाज बोले और वो ठीक हो गए बिल्कुल सो नेवर हैव अ टेक अल्लाह्स फॉर्म अल्लाह आउट ऑफ द इक्वेशन एंड थिंक ए साइकाट्रिस्ट पास द राजा एक मुसलमान सबसे पहले अल्लाह के पास जाता है बिल्कुल पेरनडोल खाने से पहले भी ना अल्लाह से कहता है या अल्लाह शिफा उन्हें देनी है ये तो मैं एज अ इस्तेमाल कर और मुसलमान सिर्फ दुआ पे नहीं करता बल्कि उसको तुम्हें को नहीं होगी तो सबसे पहले जो औलाद हुई थी हजरत आसमा बिनते अभी बकर को थ्री मंथर हिजरात तो वो मुसलमानों ने जश्न मनाया था प्रूव किया था कि तुम जो मर्जी कहते फिरो करते फिरो असल में सुपरस्टिशन भी बहुत बड़ा मसला है बंदिश हो गई ये हो गया खौफ लोगों के बारे में खाओ वो खून के चीटे गिर गए ये हो गया वो हो गया ये ही शैतान की तरफ से होते हैं एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा पेरेंट्स को मैसेज है आ, प्लीज अपने बच्चों के मसले समझें क्योंकि ये बच्चे इनका साइकोलॉजिकल मेकअप आपसे बहुत मुख्तफ है बिल्कुल इनका पूरा बायोकेमिकल स्ट्रक्चर आपसे बहुत मुख्तफ है कई बच्चे मैंने देखे हैं डिप्रेशन में पेरेंट्स कैसे जा रहे हैं मैं अब इसका ये मतलब नहीं बच्चे अपने पेरेंट्स को कंटेम करने लग जाए ये मेरा क्लिप काट के कि ये देखो इन्होंने से लेकिन ये सच है कि पेरेंट्स कभी कभी इतना कंडेम्ड फील कराते हैं बच्चों को इतना मेरे पास यूथ आती कहते हैं कि मैं आई एम कंडेम टू हेल क्यों सिगरेट पीता है मूवीज देखता है और स्ट्रिक्ट रिलीजियस पेरेंट्स यार मूवी देखना सिगरेट पीने से बंदा कंडेम्ड तो नहीं हो गया ना या वो गर्लफ्रेंड को बना लेते हो रिलेशन हो जाता है आप उसे इतना कोसते हो इतना कंडेम फील कराते हो कि वो इस्लाम से ही चला जाता है Mm -hmm. कि मैं तो कंडेम्ड हो चुका हूं आई एम गोइंग टू हेल्प और मेरे एंगजाइटी होती है उससे बड़ी मैंने यूथ देखी है पेरेंट्स को प्रेशर आप क्या समझते नहीं of... करें और डिस्कशन करना चाहता है उसको रिलैक्स फील करेंटाज स्लिप हो जाता था आपकी एज में लेकिन इट्स नॉट गुड टू कीप ऑन स्लिपिंग इस तरह की डिस्कशन करें बजाय उसे इतना प्रेशर डालने का इतना प्रेशर और झाड़ने के तो ये बड़े ना देखिए अल्लाह हालांकि अपने आ, साथ में बड़े बिल्कुल। अल्लाह किसी को अलग बर्दाश्त नहीं करते लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का जालिम ही फिरौन कहता है ना, आला ठीक है और बार बार कहता है बार बार अलैहि सलाम को भेजते हैं और कहते है फकूल आप उससे बड़े नरमी से बात कीजिएगा यार फिरौन है देखो तो लेकिन लयिन क्यों क्योंकि वो शायद समझ जाए शायद से डरने वाला बन जाए। तो जब तो तो नहीं, तो नहीं शिर किया जैसे आपने बताया वो एक सिस्टर को हरासमेंट हुई यूनिवर्सिटी में तो उनके फादर ने बड़ा उनको मतलब सख्त बयान दिया केस था

वाले साहब से बात की तो वाले साहब ने कहा ये कि कहा, ये ये सिस्टर ठीक है नहीं कहा तुम्हारी अपनी हरकतेंटली तुम और उन्होंने घर से निकल गई अच्छा और अल्लाह पेनी वाज्ला ईमान छोड़ दिया ठीक है और दीन को छोड़ दिया और फिर डिफरेंट जगहों पे चली गई

कम्स टू देरेंटिंग एज वेल मेंटल हेल्थ है ना इसकी रूट कॉज पेरेंटिंग भी है इसकी रूट कॉज हमारे का रिग्रेसिव होना hmm. भी है इसकी रूट कॉज जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल भी है लेकिन ये uh, है, yes, है।, hmm. है कि जब आप अपने बच्चे को इतना चढ़ा दें आसमान पे hmm. इतनी तारीफें कर दें इतनी तारीफें कर दें कि जब उसको क्रिटिसिजम आए hmm. तो डिप्रेशन में चला कि ये क्या इन लॉज का भी क्रिटिसाइज कर दें वो भी माँ बाप है तो इतनी डिप्रेशन में चले जाना कि ये क्या हो गया मतलब मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ तो ये माँ बाप को पेरेंटिंग की बड़ी मिस्टेक है असल में वो याँ? रिसर्च कहती है ना कि जो शख्स जिसपे चौदह साल तक उसने ज्यादा नो नहीं सुने ना माँ बाप से ही इज एन इमोशनली वीक रिसर्च है प्रॉपर कि जिस बच्चे ने चौदह साल तक ज्यादा नो और रिजेक्शन और रिफ्यूज माँ बाप से नहीं सुने ना यानी माँ मैं ले लू नहीं बेटा आज तो आपने लेने नहीं है आपको मैंने पिछले वीक आज ले दिया था नो वायर दिस वीक नो वायर दिस मंथ बाबा जंक नहीं तो मुख्य चीजों में लाड लाड नहीं देना हमने डिसिप्लिन करना लेकिन लाड नहीं देना हमने और कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन करनी है दोस्ती करनी कि बेटा आई लव यू बिल्कुल मैं आपको प्यार करता हूँ लेकिन ये चीज ये चीज नहीं है तो वो जो रिजेक्शन हम हम कहते हैं मैंने तो इतना पाल पोस के बड़ा किया ख्याल रखा कि आज तक इसे ना ही नहीं किया इसके जबान पर जो फरमाइश आती थी हमने इसे अदा की है फिर भी तो जब उसकी फरमाइश आती थी, थी ना और जब जॉब के लिए गया उसे रिजेक्शन मिली हाँ। और जब रिफ्यूजल मिली थप्पड़ मारी ने हाँ। तो उस, मैसेज क्या हो गया हालांकि हाँ। तो जो मैंने चाही हाँ। तो अपने बच्चों के साथ को ताकि सबको पता चल जाए की ये ये चीजें हैं अपने आप को तो हम अच्छे तरीके से कोप कर सकते हैं लुक एट योर डाइट तैयब रिस्क इट हैज बिन प्रूवन बाय रिसर्च के uh, बहुत सी डाइट डोप के सेंटर्स को डायलेट करती है hmm. और जिसकी वजह से जाहिर है कि बहुत सी ये मेंटल हेल्थ डिजीजे जो है वो जन्म लेती हैं hmm. और दूसरी चीज जो है वो रूटीन है अगर आप नाइट आउट बन चुके हैं और यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मैनी थिंग वो सब आपके सबकॉन्शियस में एज अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट आप समझ रहे हैं कि मैं जबरदस्त हूँ चीता लगाऊ मैं सब कुछ हो रहा है लेकिन एक टाइम पे वो कहते हैं ना पूल ऑफ अनकॉन्शियसनेस वो फट जाएगा कर जाएगा और फिर आपसे हैंडल नहीं होगा अपनी रूटीन को देखें जिस तरह अल्लाह ने आपको बनाया उस रूटीन पे उस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सेट करें क्विकली मैं मतलब बता रहा हूँ मेरे नजदीक हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें सकीनत को समझे सकीना क्या होती है अल्लाह मेरे नजदीक हैप्पीनेस सकीना है जंगे बदर का मौका अल्लाह ताला कहते और, नहीं। 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 और चौथी चीज नहीं हमारी मतलब के बेचैनी बहुत ज्यादा रिजेक्शन नहीं ले सकते ख्याल बहुत चल रहे हैं माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है पैनिक होते हैं वीक पर्सनैलिटी इस तरह है कि इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं मतलब मैं हैरान होता हूँ है कि यार अल्लाह ने क्या तुम्हें बनाया और कैसी बातें कर रहे हो अपने बारे में तो ये बहुत जरूरी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो कॉन्शियस रहो फोकस्ड रहो इधर उधर मत जो है वो सोचे सोचो इधर उधर ये तो जनरल है लेकिन जो वो है बायोलॉजिकल जो रीजन है जैसे जेनेटिक मेकअप या डिप्रेशन आ गई या क्लिनिकल हद तक चली गई है उसके फिर बेहतर जाहिर है कि दवाई वगैरह डॉक्टर मैं समझता हूँ वर्ल्ड व्यू जो है ना चेंज करने की बहुत जरूरत है लोगों को अपना वर्ल्ड व्यू सेट करने की जरूरत है लाइफ के फलसफे को समझने की जरूरत है जबरदस्त अल्लाह ताला लाइफ के बारे में क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लाइफ को पैदा ही इसलिए किया है कि वो टेस्ट करे कि तुम में से बेहतरीन अमाल कौन करता है तो अगर हम ये समझ लेंगे कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं आएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा प्रॉब्लम्स तो हम सब लोगों की लाइफ में आने ही आने बात यह कि हमने कोप कैसे करना है ठीक है तो कोप करने का जो तरीका अल्लाह ने बता दिया वो यही है कि अल्लाह तला की तरफ रुजू किया जाए मैं ये समझता हूँ थ्रू 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 exactly. बिल्कुल जब आपको पता होता है ना कि आपके पीछे अल्लाह ताला है आप जितना मर्जी बड़े गरीब से गुजर जाए इवेंचुअली आप हील कर लेते ठीक है अल्लाह ताला की मदद से अल्लाह ताला का तकवा करना यजअल तकल्ला मखराजा

शाखें आसमानों को छू रही गिविंग इट्स फ्रूट एट ऑल टाइम तो मुफसरिन कहते हैं मोमिन की मिसाल हाँ। निकल के गम के मौसम आएंगे तो दरख्त देखें एक दरख्त है बहुत स्ट्रॉन्ग तूफान आता है लाइटनिंग आती है मैक्सिमम क्या होता है उसके फल गिर जाते हैं पत्ते झड़ जाते हैं है, अपनी जगह वो अल्लाह तला जुड़ जाए ना तो जैसे मर्जी हालात आ जाए हाँ पत्ते गिर जायेंगे चाखे टूट जाएंगी लेकिन जो वो स्टेम है ना मेज वो अपनी जगह क्यूँ दलील क्या है वही देखिए ना हज़रत याकूब कहते हैं ना इन्नी इन अशकूबी मालाम अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते हो यानी मेरे पास नॉलेज है द रीज़न याक़ूब अलैहि सलाम डिडंट गो टू अ डिप्रेशन जिसमें बिल्कुल होपलेसनेस हो हालांकि साल गुजर गए और बच्चे नहीं मिले और दूरी है वो नॉलेज था कि जब अल्लाह का नॉलेज हो ना कि अल्लाह ताला मुझे कभी ज़ाय नहीं करेंगे और ना उम्मीद तो वही होता है खुद कहते हैं इकौमिल काफिरी जो काफिर है सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तो हम नहीं है लेकिन हमारे पास जो शरीयत का इल्म आया है ना उसका नॉलेज होना और वो हमें बताता है कि यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द हेयर आफ्टर नो वरिंग अबाउट व्हाट यू उट कंट्रोल एक्जेक्टली मतलब आप अगर ऐसी चीजों पे बरी करें जिनका जिनका कंट्रोल आपके हाथ में था ही नहीं hmm. तो उसके फायदा क्या hmm. आप उस चीज पे बरी करें जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है hmm.

अच्छा फिर तीसरा गेस्ट्रल थेरेपी में क्या होता है कि आप जो बंदा है उसको ये कहते हैं कि यार ठीक है प्रॉब्लम आया लेकिन क्यों आया आप उसको क्यों में घुसा देते हैं और आप उसे कहते हैं कि कहीं तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई फॉल्ट है अच्छा फिर चौथा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आप आपकी प्रॉब्लम ये अभी मैं इस तरह आ रहा हूँ ये सब इस्लाम है और चौथा जो है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में यू गिव मीनिंग टू देयर प्रॉब्लम आप उसे कहते हैं कि किस लिए आया है ये समझो क्योंकि ग्रो करने आया तुम्हें क्या बात है? या कोई गुनाह बख्शवाने आया तुम्हारे या अल्लाह ने तुमसे कोई काम लेना आप उसे मीनिंग और पर्पज दे देते ये चारों चीजें सामने रखे और इस्लामी फिलोसफी ऑफ लाइफ सामने रखें। कुरान की रखा ये कोई आप उसकी अप्रोचेस नहीं बता रहे आ

सिर्फ दिन आपको उससे निकालेगा नहीं बल्कि उनमें जाने से बचा लेगा। ही बिचा लेगा इट्सरी मेयर आपको डिप्रेशन पे जाने से ले। बिल्कुण, बिल्कुण. अच्छा फिर हम लोग जैसे आपने बात की अगर आर योर वैल्यूज आपकी वैल्यूज क्या है आज आप हैरी आपने खाना पीना है <laughs> आपने घर बनाने गाड़ी लेनी आप ये इमेजिन करें कि आप सौ साल के हो गए हैं तो आपकी हं, 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 हंड्रेड बर्थडे है आपके आपके दोस्त बैठे हुए हैं गेट टूगेदर है और आप अपने बिस्तर पे हैं यूर अबाउट वो आपके बारे में आपकी लेगेसी बता रहे हैं वो बताते हैं कि इसकी क्या क्या वैल्यूज थी आप क्या सुनना चाहते हैं उनके मुंह से इसने बस घर बना लिया या इसने पैसे कमा लिए ये, ये करके आ गया आप उस टाइम जो सुनना चाहते हैं ना अपनी लाइफ को आज से उस तरह गुजारना शुरू कर दें। अगर आप सुनना चाहते हैं कि इसने दीन का बड़ा काम किया इसने अज़र बड़े इकट्ठे किए इसने लोगों की बड़ी खिदमत की तो आज से वो काम करें मतलब यानी और आपकी सबसे बेहतरीन वैल्यू क्या है नार्फतर जो जहनम से बचा लिया गया

इट जस्टिस। यानी मुझे मालूम है ना असअल का बिकुल इसमें हुआ लगता है मैं तमाम नामों से सवाल करता हूँ जो तेरे नाम है जो तुमने सिखाए जो पास किताबों में रखे जो तुमने किसी को नहीं बताए कुरान भी।

ताकि मेरा अपना लाइफ विजन क्लियर हो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो और जब वो सेट हुआ ना, मेरा और मेरा जो बेस है सेट हो गई सब निकल जाएगा दुआ का फलसफा समझें और दुआ का अक्सर समझें मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि मैंने बड़ी दुआ की बड़ी दुआ की किसी से शादी नहीं हो रही तो मेरी दुआएं नहीं कबूल होती तो मैंने कहा ये दुआ की वजह से अल्लाह को पा लिया आपने

कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने सेंटेंस बोला है कि अली भाई ऑल इट रिक्वायर्ड वन तहज जो कि मुझसे नहीं पढ़ी जा <laughs> एक तहजद की मार थी ये सारी मेरी गेम और ये मेरी प्रॉब्लम तो ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है Allah Allah. 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 ये करके देखें तो एक मोमेंट जो है ना वो कभी भी यार आ, मैं समझता हूँ ठीक है, है प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन वो अल्टीमेट डिप्रेशन में नहीं जा सकता मैं मेडिकल उसकी बात नहीं करा। totally कर टोटली कभी भी उस चीज में नहीं जा सकता जिसके पास इतने जबरदस्त जबरदस्त वही में से चीजें हों इनामत हों ब्लेसिंग हों खुश हों <laughs> वो कैसे डिप्रेशन में जा सकते हैं यू नो इट्स नॉट अफगानी लोगों की मिसाल हमारे सामने पॉवर्टी हाँ। आ गई जो मर्जी आ गई वो ग्रो पे ग्रो किए जा रहे हैं आपके सामने तो बात ये कि इस जो क्रक्स है इसको हुए ये करते हैं कि देखें जो आपको क्रक्स बताया ना कि डिप्रेशन एक डिजीज है मेडिकल इलनेस है इसका इलाज करवाएं लेकिन वो डिप्रेशन जो कि इन्वाटल है और आपको हो गया है जिसकी वजह से केमिकल बैलेंस भी हो जाता है ठीक है अल्टीमेटली समटाइम्स केमिकल बैलेंस पहले होता है बाद में डिप्रेशन होता है कभी पहले आपका कोई ट्रॉमा हुआ फिर इंबेलेंस हो गया आपने डाइट ठीक रखें अपनी रूटीन ठीक बनाए वो जो तीन घंटे सोने से पहले खा लें सुबह नाश्ता अच्छा करें अपनी जो लाइफ है ना उसको काइंडली फेक ना करें रियल लोगों के साथ गुजारें स्पेंड टाइम विद पीपल हु मैटर अपने पेरेंट्स अपने भाई बहन अपने रिश्तेदार जो आके उन लोगों साथ टाइम गुजारे हैं जो कि आपके पहले सफ में खड़े होके आपके जनाजा पड़े होंगे जो वैल्यूबल लोग हैं ठीक है आ, क्योंकि हमें ये फेक कॉन्टेक्ट है ना हमें बहुत डिप्रेशन में डाल दिया है पैटर्न ठीक करें है क्योंकि आपका जो कार्केडियम रिदम है रिदम है आपका बॉडी क्लॉक जो है वो डिजाइन ही ऐसी आप सुबह उठें शाम में जब आपका मेरा रिलीज करिए बॉडी के भी सोने लगे बंदा फोन पे ऑन हो जाता है और इससे आपका केमिकल इंबेलेंस भी होने शुरू हो जाते हैं

नुकसानदे है और एंटरटेनमेंट आफ्टर अ स्ट्रगल वो, वो फायदेमंद है मिसाल है। के तौर पे हम एंटरटेनमेंट कैसे करते थे आज की यूथ बगैर कुछ की हर वक्तमेंट हाँ, है वो भी डिप्रेशन की हालांकि रहीम है फिर भी जन्नत मेहनत की वजह से मेहनत तो करो ना कुछ तो करो तो माँ बाप अब इतने अल्लाह से रहमान ज्यादा तो नहीं है ना कम अज कम उनको दें इतना जब उनकी मेहनत करें वो बेस्ड सिस्टम रखें और साथ साथ जो इस्लामिक हमें प्रिंसिपल बताए कि अल्लाह से ताल्लुक कुरान को पढ़ें अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में समझें नमाज 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 के पास बार-बार जाएं तहज्जुद की नमाज स्पेशली आफ्टर फराइज़ वस्तैरिनु बसबरी वसला कुरान uh, का जो एक-एक वर्ड है ना वो हीरे जहरत से भरा हुआ है मतलब कहते हैं सीख असिस्टेंस हेल्प बिसबरी वसला विद पेशेंस एंड प्रेयर क्या बात इनहला कबीरतुल लिल खाशिईन

और एक घर वाले मिल गए और शादी भी हो गई और, हाँ। so, और अल्लाह हेल्प लोगों से मदद करें uh, के के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें गेट यूर सेल्फ गोए मूव योर बॉडी मेक इट अबिट टू टू बी एक्टिव गाड़ी पा कर थोड़ा दूर पार के चल के आना हो लंच लेके आना तो थोड़ा सा सीढ़ियां उतर के लंच लेके आए चलने फिरने की आपको आदि बनाए और आखिरी कुछ वर्ड्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बेहतरीन ले लेने ना, अपने लाइफस्टाइल के हवाले से इनको भी लेकर चलें और साथ साथ जो आपका रिलेशनशिप है अल्लाह तआला इसको भी इम्प्रूव करना और अपने को नॉलेज के साथ जोड़ना जैसे जो जो बातें आपने बताई हैं दुआओं का बताया है नमाज का बताया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि नोइंग वट यू आर हम असल में इस चीज़ से बहुत खाली हैं और इफ़ेक्ट तभी नहीं मिल पाता हम लोगों को क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम किस अल्लाह के सामने खड़े हैं हम क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं और उनके मतलब क्या हैं और इससे हमें क्या मिलने वाला है ठीक है इसके फ्रूट्स क्या हैं इन चीज़ों से हम खाली हैं तो कम अज़ कम जो चीज़ हम कर रहे हैं सिंसेयरली उसके मतलब का ज़रूर पता होना ताकि हम उस चीज़ को इंटरनलाइज़ कर पाएं

जो है।, दिल से निकलती है ना मेन मेन कैटेगरी दो मेरे जान में आती। एक पॉजिटिविटी पॉजिटिव खुराक पॉजिटिव रूटीन पॉजिटिव थिंकिंग दूसरा अल्लाह से ताल्लुट आप प्रैक्टिस करें मेहनत करें स्ट्रगल करें इसमें इनशाला आप देख

हदीस की फॉर्म है और कुरान की फॉर्म है वो इसका न्यूट्रिशन है उसको आप प्यासा छोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ तो इसको लाजमी रजा के रखें इनशाला कसरत से जैसे लगे फरमाया ना कि जो मोमिन अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता वो जिंदा और मैय की तरह है बिल्कुल जो डिप्रेस इंसान है वो बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी है रब कोई एनर्जी नहीं।, नहीं उसमें कुछ काम करने दिल नहीं चाह रहा वो मैय की तरह बन जाता है बिकॉज अल्लाह का जिक्र नहीं है जो रूल चुकी है डिपार्टमेंट है Uh, जो कि yeah. अलहमदल्ला लाहौर कराची इस्लाम में है हम ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन पूरी दुनिया से लेते हैं माशा हमारे पास डिफरेंट पैनलिस्ट हैं काउंसलर्स हैं हमारे पास अवेलेबल सिस्टर्स के लिए भी मुजमिल अगर आप कहीं फॉर्म शो कर दें जो मैंने आपको भेजा था uh, सिस्टर्स के भी फॉर्म्स हैं ब्रदर्स के भी फॉर्म्स हैं इन वो आप फ़िल करें आपको हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव वो 24 फोर टू फोटी एट आवर्स के बीच में इंशाल्लाह कांटेक्ट करेगा और आपको काउंसलर असाइन किया जाएगा इन शो ये डिपार्टमेंट है ही उन लोगों के लिए जिनको हेल्प चाहिए इन शी हमें कसरत से अपनी दुआ में याद रखें अल्लाह तलास दे और इसी तरह से दीन में काम करने की तोफीक दे बल्कि इसकी बेहतर तरीके से और दीन भी जिंदा रखें और दीन भी मौत दे